हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल टारगेट कंपटीशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एरर डिटेक्शन के 10 क्वेश्चंस और उन 10 क्वेश्चंस से रिलेटेड हम 10 रूल्स को सीखेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंड्स, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था, तो मैं इसमें आपको उस क्वेश्चन का आंसर जो बता देती हूँ। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, नो बडी एज बट यू माइट बी डिक्लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ दोज आर्टिकल। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन और इसमें मैं आपको बता दूँ, जो हमारा एरर था वो डिक्लेयर की जगह हमारा क्या यूज़ होगा, डिक्लेयर्ड का यूज़ होगा। डिक्लेयर की जगह हम डिक्लेयर्ड का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मॉडल वर्ब दिया हुआ है और मैं आपको बता दूँ कि मॉडल वर्ब के साथ वैसे तो वर्ब के हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन जब मॉडल वर्ब के साथ में बी का यूज़ हो जाता है तो उस कंडीशन में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मॉडल वर्ब माइट दिया हुआ है और इसके बाद में हमने बी का यूज़ किया है, इसलिए हमें डिक्लेयर की जगह पर क्या करना है, डिक्लेयर्ड का यूज़ करना है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, नो बडी एज बट यू माइट बी डिक्लेयर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ दोज आर्टिकल्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज़ ओनली आफ्टर द वॉर इज़ ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। इट इज़ ओनली आफ्टर द वॉर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन है और मैं आपको इसमें बता दूँ कि इसमें जो एरर है ना वो आर्टिकल द में है। आर्टिकल द की जगह हमें आर्टिकल ए का यूज़ करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स, हम जो किसी पर्टिकुलर वॉर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जो एक वॉर की बात कर रहे हैं कि जब भी कोई वॉर होता है तो वॉर के ख़त्म होने के बाद ही लोगों को पता चलता है कि वो कितना बुरा वॉर था। ओके फ्रेंड्स, हम किसी पर्टिकुलर वॉर की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें आर्टिकल ए का यूज़ हमें यहाँ पे करना है, क्योंकि आर्टिकल द का जब हम करते हैं तो उससे क्या पता चलता है कि हम एक स्पेसिफिक वर्ड की बात कर रहे हैं, जबकि हम यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं चाहिए, हमें एक कॉमन वर्ड की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे आर्टिकल द की जगह आर्टिकल ए का यूज़ करना है। आई होप दिस क्लियर टू यू। सो इसलिए हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, इट इज़ ओनली आफ्टर अ वर इज ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ बैड इट वॉज। ओके, सो लेट्स मूव टू अवर सेकंड क्वेश्चन। सो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, अ टर्न्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। अ टर्न्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड। ओके फ्रेंड्स, सो इसमें आपको एरर बताना है कि इसमें किस पार्ट में एरर है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई भी एरर नहीं है, कहीं पर भी इसमें एरर नहीं है। अ टर्न्स वेट इज़ टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड, इसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें टर्न्स की जगह पे एपोस्ट्रॉफी, मतलब टर्न्स में हमारा एपोस्ट्रॉफी एस क्यों यूज़ हुआ, तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी हमारे टर्न होते हैं, मतलब जो वेट करने वाले जो यूनिट्स होते हैं, जो हमारी वेट करने वाली यूनिट्स होती है, जैसे कि टर्न हो गया, किलो हो गया, ग्राम हो गया, तो इनके साथ में हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर सकते हैं। इनके साथ में हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर सकते हैं, जैसे टर्न हो गया, टर्न्स हो गया, और टर्न्स की जगह अगर हम ग्राम का यूज़ करना चाहें तो हम ग्राम्स की भी कर सकते हैं, लाइक ग्राम लिखा और फिर एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसमें हमारा करेक्शन कोई भी नहीं है क्योंकि हमारे ये नो एरर वाला क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन से आप इस रूल को ध्यान में रखिएगा कि जब भी हमारी वेट करने वाली जो यूनिट्स होती है, जैसे कि यूनिट होती है, जैसे कि टर्न्स हो गया और ग्राम हो गया और किलो हो गया, तो इनके साथ में हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये बिल्कुल सही है और इस क्वेश्चन में हमारा कोई भी एरर नहीं है। ओके फ्रेंड, एक और चीज़ मैं आपको बता दी थी कि टू के साथ हम टू का यूज़ करते हैं, ठीक है, टू और टू का जो फॉर्मेशन होता है वो हम यूज़ करते हैं हमेशा, तो आप इसमें ध्यान रखिएगा। और इसमें सेंटेंस का जो सेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है कि अटर्न्स वेट इज़ टू हैवी फॉर एनी वन टू कैरी ऑन हिज हेड, यानी कि एक टर्न्स वेट को इतना हैवी होता है कि उसको किसी को भी अपने हेड पर, मतलब ये कि लेकर चलना यानी कि उठाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसका टू के जगह टू के टू और टू का फॉर्मेशन का हम यूज़ जो है कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। और यहाँ पर टर्न्स वेट भी बिल्कुल सही है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम वेट करने वाली जो यूनिट्स होती हैं उनके साथ हम फर्स्ट ऑफ एस का यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस रूल को आप ध्यान में रखिएगा और इस रूल के साथ हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स। द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स। ओके फ्रेंड्स, ये है हमारा क्वेश्चन और मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें जो हमारा करेक्शन होगा वो वुमेन की जगह वुमेन का यूज़ करेंगे हम। वुमेन की जगह हम किसका यूज़ करेंगे, हम वुमेन का यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे द मेजोरिटी ऑफ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, द मेजोरिटी ऑफ दिया हुआ है। और जब भी द मेजोरिटी ऑफ का हम यूज़ करते हैं तो हम प्लुरल नाउन का यूज़ करते हैं। किसका प्लुरल नाउन का हम यूज़ करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन का यूज़ करना है, एम ई एन, ठीक है, क्या होना चाहिए, एम ई उसके बाद एन, ठीक है, वुमेन का यूज़ करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब भी हम वन ऑफ का यूज़ करते हैं तो भी हम प्लुरल नाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वुमेन की जगह क्या हो जाएगा, वुमेन का यूज़ करेंगे। तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स, वुमेन की जगह क्या हो जाएगा, वुमेन, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि देखिए यहाँ पे वुमेन करेंगे तभी तो यहाँ पे देयर आएगा ना। अगर यहाँ पे देयर है तो ऑब्वियसली आप जानते हो कि यहाँ पे नाउन हमारा क्या होना चाहिए, प्लुरल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे क्या करना है, वुमेन हमें करना है। ओके फ्रेंड्स, तो मेजोरिटी ऑफ की बात के हमारा क्या होगा, वुमेन जो हमारा प्लुरल में यूज़ होगा। ओके फ्रेंड्स, जब भी हमारे मैन वाले, जैसे मैन टीचर्स हो गया या वुमेन वाले जो कंपाउंड नाउन होते हैं, तो मैन टीचर्स या फिर वुमेन टीचर्स, इनके मैन से और वुमेन से जुड़े हुए जो कंपाउंड नाउन होते हैं ना, उसमें हमें दोनों को प्लुरल बनाना होता है, ठीक है। अदर जो होते हैं उसमें सिर्फ खाली बाद वाले को प्लुरल बनाते हैं, लेकिन जो मैन और वुमेन से जुड़े कंपाउंड नाउन होते हैं
हैं उनमें हमें वुमेन यानी कि दोनों को ही क्या करना होता है, प्लूरल में बनाना होता है। जैसे वुमेन भी हमारा प्लूरल में होगा और टीचर्स भी हमारा प्लूरल में ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड ओके फ्रेंड्स, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। चलिए तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। सो हमारा क्वेश्चन क्या है, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स बीइंग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा क्वेश्चन है और मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें जो हमारा करेक्शन होगा ना वो कहाँ पर होगा कि मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैज़। ओके, यहाँ पे हम हैज़ का यूज़ करेंगे। हैज़ का यूज़ हम क्यों कर रहे हैं हैव की जगह, वो इसलिए क्योंकि फ्रेंड जब भी हम मोर देन वन का यूज़ करते हैं ना तो उस कंडीशन में हम हमेशा सिंगुलर जो वर्ब होती है सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हमारा रूल है ये कि मोर देन वन का यूज़ करें या फिर हम मैनी अ का यूज़ करें, किसका, मैनी अ का, जो मैनी अ होता है ना उसके बाद भी हम सिंगुलर नाउन का सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि मैनी अ लगा हो या फिर मोर देन वन लगा हो, ठीक है, मैनी अ लगा हो या फिर मोर देन वन लगा हो, हम हमेशा सिंगुलर नाउन का और सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि अगर हम खाली मैनी का यूज़ करते हैं तो हम प्लूरल नाउन का और प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। तो इन रूल्स को आप ध्यान में रखिएगा तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैज टेकन द इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन्स बींग पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। ओके फ्रेंड्स, सो हमें हैव की जगह पे यहाँ पे क्या करना है, हैव की जगह पे हमें हैज का यूज करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू अवर फिफ्थ क्वेश्चन। सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हेयर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन क्या है, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड हेयर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। ओके फ्रेंड्स, सो इसमें आपका एरर जो है मैं आपको बता दूं कहाँ पर इसका एरर है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमने लिव्ड का यूज़ किया है ना वो गलत है। लिव्ड का यूज़ क्यों गलत है, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हो कि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट सेंटेंस की बात हो रही है, राइट, प्रेजेंट में इसकी बात हो रही है और यहाँ पर भी देखो आपको प्रेजेंट में इसकी बात हो रही है। ठीक है, जब प्रेजेंट में पूरा हमारा सेंटेंस है, जब हमारा सेंटेंस पूरा ही प्रेजेंट में है तो हम यहाँ पे पास्ट में क्यों बना रहे हैं, गलत है ना, हम यहाँ पे पास्ट में नहीं बनाएंगे, इसको भी हमें क्या करना होगा, प्रेजेंट में बनाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पे या तो हम हैज़ लिव्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम हैज़ बीन लिविंग का यूज कर सकते हैं, किसका, हैज़ बीन और फिर लिविंग का। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेक्शन हो जाएगा हमारे इसमें, क्या करेक्शन हो जाएगा, द ओल्ड मैन हु इज़ सिटिंग इन दैट रूम हैज़ लिव्ड हेयर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज़ नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। ओके, या तो हम हैज़ लिव्ड का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि द ओल्ड मैन हु इज़ सिटिंग इन दैट रूम हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज़ नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम। सो ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम हैज़ लिव्ड का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम हैज़ बीन लिविंग का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो सेंटेंस है पूरा का पूरा प्रेजेंट में बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो जब भी ऐसा एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए कि यहाँ पर हमारा सेंटेंस जो है दिया तो प्रेजेंट में है लेकिन कहीं एक जगह हमारा पास्ट में यूज़ हो रहा है तो वो हमारा गलत होगा, क्योंकि अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हमें सेंटेंस को पूरा प्रेजेंट में ही रखना है। ओके, कहीं भी हम पास्ट का यूज़ जो है नहीं कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। सो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रॉस्पेक्ट ऑफ द कॉलेज। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा क्वेश्चन क्या है कि एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द ग्लोरियस प्रॉस्पेक्ट ऑफ दिस कॉलेज। ओके फ्रेंड्स, सो इसमें जो हमारा एरर होगा ना वो देयर की जगह हम हेज का यूज़ करेंगे। देयर की जगह हम हेज का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो जब भी सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन हमारे एंड से जुड़े हुए हों, ठीक है, हम दो सिंगुलर नाउन जब भी हमारे एंड से जुड़े हुए हों और उनके पहले इज या फिर एवरी का यूज़ हो रहा हो तो उस कंडीशन में हम हमारा जो हैबिल वर्ब होती है और जो हमारा प्रोनाउन यूज़ होता है, जो भी हमारा यूज़ होता है वो क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। ओके फ्रेंड, सिंगुलर रहता है। सो इसलिए हमारा, देखिए यहाँ पे इज का यूज़ हुआ है ना, इज का यूज़ हुआ है ना जो कि सिंगुलर है, इसलिए हमारा जब इज का यूज़ हो रहा है सिंगुलर है और एवरी लगा हुआ है तो यहाँ पे देयर की जगह हमें क्या, किसका यूज़ करना पड़ेगा, देयर की जगह हमें यहाँ पे इज का यूज़ करना, हेज का यूज़ करना पड़ेगा, किसका, हेज का यूज़ हमें यहाँ पे करना है। और आप बोलोगे कि हिज का ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, हर का यूज़ क्यों नहीं कर रहे, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, जब भी हमें कोई फिक्स ना हो कि मैन है या वुमेन है तो उस कंडीशन में हम हेज को ही लगाते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, सो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तुम्हारा करेक्शन क्या हो जाएगा, Every teacher and every student of this college is determined to do his best for the glorious prospect of the कॉलेज। सो फ्रेंड्स, आप एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम सिंगुलर नाउन का यूज़ कर रहे होते हैं और वो एंड से जुड़े हुए होते हैं और उसके पहले इज या एवरी का यूज़ हो रहा होता है तो उस कंडीशन में हम सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब का यूज़ हम करते हैं और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ हम करते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू अवर सेवंथ क्वेश्चन। सो हमारा सेवंथ क्वेश्चन क्या है, द 10 कैप्टन्स हैड ईच एन अचीवमेंट ऑफ हिज ओन।
द 10 कैप्टन्स हैड ईच एन अचीवमेंट ऑफ हिज ओन। सो ये हमारा क्वेश्चन है और फ्रेंड्स इसमें हम आप देखिए आपको लग रहा होगा कि इसमें कहीं ना कहीं तो एरर होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, देखिए जो 10 कैप्टन्स दिया हुआ है ना फ्रेंड्स, 10 कैप्टन्स जो दिया हुआ है वो आप सोचोगे 10 कैप्टन्स दिया है तो फिर यहाँ पे हिज की जगह देयर होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे हिज की जगह देयर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ईच एन अचीवमेंट दिया हुआ है। ईच एन अचीवमेंट यानी कि ईच क्या होता है? सिंगुलर। और किसी ईच की यानी कि प्रत्येक की एक अचीवमेंट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि सिंगुलर के अचीवमेंट की हम बात कर रहे हैं। जब हमारा यहाँ से ईच आने से सिंगुलर हो गया है तो इसीलिए हमारा यहाँ पे सिंगुलर ही प्रोनाउन का यूज़ हम करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर हमारा यहाँ पे ये फ्रेज बीच में ना दिया होता तो हमारा प्रोनाउन जो हमारा प्रोनाउन है वो हम प्लूरल में यूज़ करते, देयर का यूज़ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ईच जो है बीच में दिया हुआ है, इसकी वजह से हमें ईच इन अचीवमेंट यानी ईच के अचीवमेंट की बात हम कर रहे हैं। जब हम ईच के अचीवमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारी सिंगुलैरिटी आ जाती है, और जब सिंगुलैरिटी आ जाती है तो हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ यहाँ पर करेंगे। तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा? करेक्शन देखिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पूरा पार्ट जो है करेक्ट है। ओके, मैंने आपको रूल जो है बता दिया है कि रूल क्या है, कि जब भी हमारा ईच या एवरी कहीं पर भी आ जाए तो हमारा सेंटेंस जो है क्या बन जाता है, सिंगुलर में हमारा प्रोनाउन या फिर वर्ब का यूज़ हम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप दिस क्लियर टू यू। सो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पे। सो हमारा 8th क्वेश्चन क्या है? नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हैव सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड एज टुडे व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर डोमिनेंट। ओके, तो क्वेश्चन क्या है? नेवर बिफोर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हैव सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड एज टुडे व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर डोमिनेंट। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इसमें जो हमारा एरर है ना, देखिए हम यहाँ पे नेवर बिफोर का यूज़ कर रहे हैं। किसका यूज़ कर रहे हैं? नेवर बिफोर का। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नेवर बिफोर, हार्डली, स्कार्सली, जब भी हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं ना, तो उसके बाद में जो हमारा वर्ब यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, पहले आ जाता है, और ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो बाद में आता है। यानी कि इसमें हमें क्या करना है कि हैव का यूज़ द स्टूडेंट से पहले करना है। हैव का यूज़ हमें द स्टूडेंट से पहले करना है, क्योंकि इसको हम लॉ ऑफ इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इन्वर्जन। जब भी हमारे नेवर बिफोर, हार्डली, स्कार्सली इन वर्ड का यूज़ सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो रहा हो, तो उस कंडीशन में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। इसलिए हमारा हैव जो है द स्टूडेंट से पहले यहाँ पर यूज़ होगा। तो करेक्शन क्या हो जाएगा? नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड एज टुडे व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर डोमिनेंट। ओके फ्रेंड, व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर प्रॉब्लम। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? प्रॉब्लम्स का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर दिया हुआ है, यानी कि हम एक प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बहुत सारी प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स का यूज़ हमें करना होगा। तो इस क्वेश्चन में दो एरर हो गए। सबसे पहले क्या कि हम हैव को द स्टूडेंट्स के पहले यूज़ करेंगे, और दूसरा ये कि हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स का यूज़ करेंगे। तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा? नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड एज टुडे व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर डोमिनेंट। ओके फ्रेंड्स, सो ये हमारा करेक्शन हो जाएगा। नेवर बिफोर हैव द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया सो मच बीन फ्रस्ट्रेटेड एज टुडे व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर डोमिनेंट। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक रूल को आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम नेवर बिफोर का, हार्डली का या स्कार्सली का यूज हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में करते हैं, तो उसमें हमें हमेशा हमेशा ही जो हम हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट से पहले यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दे वर एक्सेप्शनल गुड ऑरेटर्स सो ऑल ऑफ अस लिसन टू देम वेरी अटेंटिवली। दे वर एक्सेप्शनल गुड ऑरेटर्स सो ऑल ऑफ अस लिसन टू देम वेरी अटेंटिवली। फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको बता दूं कि इसमें जो हमारा एरर है वो एक्सेप्शनल में है। यहाँ पे एक्सेप्शनल की जगह हमें यहाँ पे एक्सेप्शनली का यूज़ करना है। किसका? एक्सेप्शनली का यूज़ हमें करना है। ओके फ्रेंड्स, एक्सेप्शनली का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एडवर्ब की ज़रूरत है, ना कि एडजेक्टिव की। अब जानते हो गुड क्या होता है? गुड एक एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। एडजेक्टिव की विशेषता कभी भी दूसरा एडजेक्टिव नहीं बता सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि एडजेक्टिव की विशेषता कौन बताता है? एडवर्ब बताता है। सो इसमें हमारा एक्सेप्शनल की जगह हमें क्या करना होगा? एक्सेप्शनली का यूज़ हमें करना होगा। ऑरेटर्स हमारा नाउन है, गुड हमारा एडजेक्टिव है, और एक्सेप्शनल को हमें एक्सेप्शनली बनाना है क्योंकि ये हमारा एडवर्ब होना चाहिए। ऑरेटर्स नाउन है तो ऑरेटर्स की विशेषता गुड बता रहा है, जो कि एक एडजेक्टिव है, और क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव है इसकी विशेषता कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगा। इसलिए एक्सेप्शनल को क्या करना है? एडवर्ब हमें बनाना है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा? दे वर एक्सेप्शनली गुड ऑरेटर्स सो ऑल ऑफ अस लिसन टू देम वेरी अटेंटिवली। ओके फ्रेंड्स, सो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। अब हम चलते हैं हमारे 10th क्वेश्चन में। सो हमारा 10th क्वेश्चन क्या है? Seldom or ever have I tried my best to defend my friends who are after all guilty to some extent. देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको बता दूं कि इसमें जो एरर है ना वो इसमें है। इसमें जो एरर है वो इसमें है, यानी कि हमें और की जगह पे हमें किसका यूज़ करना है? इफ़ का यूज़ करना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हम देखिए दो रूल्स होते हैं, एक तो ये कि सेल्डम, एक तो यूज़ होता है हमारा सेल्डम के बाद इफ़,
ठीक है, सेल्डम इफ़ और एवर, ठीक है एकदम इसका यूज़ करते हैं सेल्डम इफ़ एवर का। और एक हमारा क्या होता है पता है, एक हमारा होता है सेल्डम और नेवर, क्या होता है सेल्डम और नेवर। तो फ्रेंड्स हम इन दोनों का ही हम यूज़ करते हैं, तो इन दोनों का ही यूज़ करते हैं, यानी कि और के साथ नेवर आता है और इफ़ के साथ एवर आता है, और के साथ नेवर आता है और इफ़ के साथ एवर आता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे देखिए और के साथ एवर दिया हुआ है, इसलिए हमारा गलत है। तो इसलिए क्या करना होगा, सेल्डम सेल्डम इफ़ एवर, ठीक है सेल्डम इफ़ एवर का यूज़ करना है। तो क्या करेक्शन हो जाएगा, सेल्डम इफ़ एवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड माई फ्रेंड्स हु आर ऑफ्टर गिल्टी टू सम एक्सटेंट। तो कौन करेक्शन क्या हो जाएगा, सेल्डम इफ़ एवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड माई फ्रेंड्स हु आर आफ्टर ऑल गिल्टी टू सम एक्सटेंट। सो दिस इज़ द करेक्शन। लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन आज कम्प्लीटेड, वी हैव टू डू 10 क्वेश्चन, सो 10 क्वेश्चन आर कम्प्लीटेड। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू टेल इन द कमेंट बॉक्स दैट वॉट इज द करेक्शन, वॉट इज द एरर इन दिस क्वेश्चन एंड वॉट इज द करेक्शन शुड बी इन दिस। ओके सो द क्वेश्चन इज, एज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज नोन बाय ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। This is the question, as the first president of India, Dr. Rajendra Prasad was known by all types of people in the world. Okay, so you have to tell what is the error in the question and what should be the correction in this question. Okay friends, so I hope this is clear to you. So आपको इसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। सो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन, और अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है जिसमें क्विजेस होती रहती हैं, जो मैंने टेलीग्राम के ग्रुप्स के जो तीनों ग्रुप्स के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे क्विजेस होती हैं तो उनको आप अटेंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ भी मिलती जाए टाइम टू टाइम, आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। सो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें फ्रेंड्स। बेल आइकन को नहीं दबाओगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ओके फ्रेंड्स, सो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके फ्रेंड्स, सो